आप सबका स्वागत है नोट सभा में। बाजार के 9 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स इस वक्त मेरे साथ हैं नोट सभा में और हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी नतीजों की और उस पर उसके पड़ने वाले बाजार पर असर की। आप सबने देखा किस तरह से आज बाजार लहूलुहान होकर गिर पड़े और वजह साफ थी कि जिस उम्मीद के साथ आज सुबह सुबह हम आए थे कि ऐसे होंगे रिजल्ट, वैसे होंगे रिजल्ट, वैसा ना होकर कुछ ऐसे वैसे रिजल्ट आ गए और उसके चक्कर में बाजार हो गए कमज़ोर। अब बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में बाज़ार की उम्मीद से रिजल्ट बहुत ख़राब है? क्या एग्जिट पोल के बाद कल बाज़ार नहीं भागे होते तो सिचुएशन कुछ और होती? क्या कल जो बाज़ार का टॉप बना वो बन गया, अब वो इस साल पार नहीं होने वाला है? क्या पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कम बनेंगे और बहुत धीमे धीमे बनेंगे? ये सारे सवाल हैं बड़े बड़े जिनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सारे एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, फ्री फॉर ऑल है। आप सबको जहाँ भी जो लगे अपनी राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ दूसरों को भी मौका देते रहें बोलने का और एक एक करके बोले। ध्यान रहे हम बिजनेस चैनल्स में हैं, जनरल न्यूज़ चैनल में नहीं। लेकिन कुणाल जी, जो आपने दोपहर में या सुबह के वक्त जो आपने एक पॉइंट रखा था, वहीं से शुरुआत करता हूँ कि एग्जिट पोल ने सबको भरमाया, राइट? कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आज, अगर कल एग्जिट पोल के दम पर मार्केट इतने नहीं भागे होते तो क्या बाज़ार इतने ही नहीं गिरते आज? अनिल जी देखिए, सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि लोग चुनाव में मतदान केवल 60% करते हैं, एग्जिट पोल में मतदान लोग 100% करते हैं। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्जिट पोल के कारण लोगों की उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। इस डेटा का कोई खास रेलिवेंस नहीं साबित हुआ अंत में, और जिसमें जो एक नॉर्मल मार्जिन ऑफ एरर 3-5% का आप मान सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 20% का मार्जिन ऑफ एरर है, तो उस डेटा पर कैसे रिलाई करें? और अनिल जी, उसके कारण क्या है कि लोगों की उम्मीदें जाग गई, लोगों ने अपनी पोजीशंस कल उस तरह बना ली और आज भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। जी 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 आशीष जी, सिर्फ उसी दिन नहीं, उसका ना प्रीसीडिंग 5 दिन देखने बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट वीक स्टूडियो में था तो आपसे बात हो रही थी, मैंने ट्वीट भी डाला कि जैसे हम हमेशा कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि मार्केट को सब पता होता है, स्क्रीन और भाव सब कुछ बताते हैं, वो सब डिस्काउंट करते हैं। तो सर, हम जो बार बार बात कर रहे थे पिछले हफ्ते कि मार्केट को डर क्या है, मार्केट को डर क्या है, वो डर सही था, सही निकला भी, सही निकला भी, सही निकला भी और सही डर था। इसका मतलब 5 दिन वाले मार्केट बिल्कुल सही थी लास्ट वीक वाली। करेक्ट। और उसके चलते अगर वही डर रहता तो लोग डरे भी हुए थे, ठीक थे। जो डरा हुआ आदमी है वो डर के चलता है, इतना नहीं करता। लेकिन एग्जिट पोल ने जो बिल्कुल टॉपसी टर्वी किया, उससे अनिल जी लॉसेज इतने बढ़ गए हैं लोगों के, कॉम्प्लेसेंसी आई, पोजिशन चेंज हुई, मतलब 10 तरह की चीजें हुई हैं। तो अनिल जी, मतलब डिजास्टर जो किया। लेकिन एक चीज बताइए, अब किस आप में से किन किन लोगों को लगता है कि एग्जिट पोल के जो बनाने वाले रखने वाले सेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं कि हम इतने सालों से बना रहे हैं, इतने इलेक्शन देखे हैं, उनसे तो हमारे मार्केट के एक्सपर्ट ज़्यादा बढ़िया हैं। बिल्कुल सही साहब, हमारा स्ट्राइक रेट हमारे से तो बहुत बढ़िया है उससे, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं। कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते, कभी ओवर एस्टिमेट करते। मैं आपको बताऊँ, एकमात्र एग्जिट पोल जो सही निकला, जो सबसे नियर था, वो जी मीडिया का था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जीनिया जो हमारी एंकर थी, हमने वो जो, और हमने संडे को रखा, हमने सैटरडे को नहीं रखा, संडे को था। शायद सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन 305-315 सीट हमने एनडीए को दी थी, जो सबसे कम थी, और इंडी गठबंधन को 195। तो बाकी तो कोई 350 से नीचे लेने को तैयार ही नहीं। टोल मोल बोल के कंपटीशन में एआई एग्जिट पोल जीत, सबसे बेस्ट, सबसे स्मार्टेस्ट, नियरेस्ट। और जाते हैं को अगर 3 भागों में भी बांटे, 1 महीना 1 हफ्ता और 1 दिन, इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए। करेक्ट। जैसे 1 महीने पहले मार्केट काफी नर्वस था, इन लेवल्स के थोड़े से ऊपर था, 1 हफ्ते पहले मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा और एग्जिट पोल ने पूरी सिचुएशन चेंज कर दी। और फिर धराम से जो मार्केट की आज गिरावट हुई, जो नतीजे देखते हुए, रुझान देखते हुए, तो 1 हफ्ता 1 महीना 1 हफ्ता और 1 दिन में बहुत सारे बदलाव हो गए मार्केट में। मेरे हिसाब से 1 महीने पहले जो मार्केट दिखा रहा था वो सही तस्वीर दिखा रहा था। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जो एग्जिट पोल एक चीज में कंसिस्टेंट है कि हर बार गलत हो रहे हैं। अब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखिए, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो एग्जिट पोल्स आए थे, वहाँ पे किसी ने भी बीजेपी की विक्ट्री बताई नहीं थी और उसका उल्टा हो गया, और यहाँ पे जो बताया उससे पूरा ही उल्टा हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए बाजार का एग्जिट पोल होने लगे और रोज 3:30 बजे आप 50 लोगों से पूछें कि कल बाजार कैसा रहेगा, तो वो भी इतना ही गलत होंगे। तो एग्जिट पोल इज मीनिंगलेस, बेसिकली इट इज सैंपलिंग एंड द सैंपल में भी रॉन्ग। नहीं, वो कंपैरेटिवली बेटर होगा। हमारा इतना खराब नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब कंसिस्टेंटली खराब है। क्यों अनिल जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, हम लोग जब इलेक्शंस के पहले जा रहे थे तो वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन प्रूफ सेक्टर्स, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स। और आज अगर आप सुबह ध्यान दिए होंगे तो मैंने जैन साहब के जम्स, हालांकि स्लॉट आईटीडीसी, नहीं, मैंने
एबट दिया था, एबट हाँ, एबट भी एबट दिया था, एचयूएल था, तो ये जो एफएमसीजी और आईटी इनको हम जो अंडरमाइन करते हैं कई बार, ये सारी चीजें बढ़िया की है। सो बेसिकली हमें साथ जो एग्जुबरेंस था ओवरऑल, उस एग्जुबरेंस पे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, और हमने देख लिया कि किस तरीके से कई बार जब इतने बड़े इवेंट में जाते हैं कैश में जो बैठते थे वो हम इस बार बैठे नहीं, और वो एग्जिट पोल ने किया। एग्जिट पोल की जो सुमित जी कह रहे हैं, अलका जो जंप है मंडे को राइज हुआ उसको हटा दें तो केवल 600 पॉइंट का ड्रॉप हुआ निफ्टी में, अगर आप कल के जंप को हटा दें तो कुल मिलाकर के देखें तो कोई बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर में बदलाव अभी तक तो नहीं हुआ है, और ये भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो आज जो लो जो बने थे वो जहां से रिकवरी आई, तो रिकवरी और लो के बीच की जो जगह थी वो कल के जंप की वजह से। इसमें ऐड करूंगा मैं 21200 वाज द 200 डे ऑफ द मार्केट, फिर 21800 पे एक सपोर्ट लिया, हर बार जो मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था मार्केट, और ये रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट ये सुमित जी के लिए भी, सब डीमा में सब आप ही कर लोगे, सुमित जी किस लिए आए भी उनके लिए भी तो कुछ बोलने दो। हां हां आप पकड़ो पटक करने दो हमारे पास, अब मैं आशु जी का रोल प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जिट पोल गलत गया वो सही है, पहले अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है अनिल जी, जो रिजल्ट आया, जो नंबर्स आ रहे हैं वो सही तो नहीं है। अगर आप किसी को भी पूछोगे तो जो सब चाहते थे वो नहीं हुआ, ये वोटिंग आई किधर से, जहां से ये नंबर्स आ रहे हैं, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। ये वन ऑन वन भी हुआ ना, हर जगह एक बात और भी है, तो है। जी यू नेवर नो, ये इस तरह का क्रिकेट मैच है जहां लास्ट बॉल में डिसाइड होगा। नहीं, इतने लास्ट बॉल पे डिसाइड क्या होगा, क्या ऐसा नहीं, कुछ कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि कई कई सीटों पे 5-10 का, नहीं वो बराबर मैं बताता हूँ आपको, 10 सीटें कांग्रेस जो जीत रही है वो 5,000 से कम वोटर से जीत रही है, और 10 सीटें बीजेपी जो जीत रही है वो 5,000 से, तो ज्यादा 20 सीटों में बदल के भी कितना बदल जाएगा, 295-300 इधर ही ऐसा है। हमारे राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी हमारा राजस्थान, और में भी हमारा जो कोटा था, कोटा में हुआ था ये, जो बहुत काम किए वहां के, मैं ये नथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो कांग्रेस, लास्ट में देश को भी हमारा एक पर्टिकुलर साइड में कैलकुलेशंस आए थे, और वहां पे लास्ट में बहुत थोड़े से मार्जिन से वो जीते। अनिल जी, थारो राजस्थान, थारो आसाम, थारो कलकत्ता भी हो। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, हमारे राजस्थान में और इनका राजस्थान है, बस यही चीज। अच्छा ये बताओ कि किसी ने सोचा था कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने के बाद मार्केट इतनी भागेगी नहीं, ये कई बार बात हुई है और हमने मतलब बात भी की है, लेकिन अब तो वो ही नहीं आए तो मतलब जिस तरह से आएंगे या क्या आएंगे, अब क्या होगा, मतलब इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी हो गई है कि मार्केट में ये सोचा था। एक में विश्वेश जी का, हाँ विश्वेश जी, मेरे हिसाब से सर बाय एंड लार्ज जो मुझे समझ में आ रहा है, मार्केट इज नॉट एज सच डिसअपॉइंटेड एट द सीट, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क मिडल ऑफ द सेशन में ऐसा लग गया था कि क्या इफ एट ऑल एनडीए कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट, उसकी वजह से नर्वसनेस बढ़ी। फिर मतलब लगा इंडी अलायंस की सरकार तो नहीं बन रही, पहली बात। दूसरी बात, इंप्लाइड वॉलेट मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड क्या था, मैं अब ट्रेड के बारे में बात करूंगा, ज्ञानबाजी तो काफी हो गया, ठीक है, किस किस ने दिया ये ज्ञान, सभी ज्ञानबाजी है सर मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट दिस, अगर सर 40-45-50 की आईवी जहां पे 18-20 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडर्स शॉर्ट कर रहे हैं और वो इंट्राडे में 90 हो जाती है, हमने 70 पे इनिशिएट किया था कॉल कैलेंडर, अब समझिए 70 की भी आईवी 100 हो गई और उसके बाद भी कूल ऑफ नहीं हो रही, मतलब 11-11:30 बजे के बाद मार्केट ने ये जज कर लिया था कि कुछ अजीब है जो मुझे नहीं पता है, अदरवाइज आईवी गिर जानी चाहिए, और आमतौर पर गिरती है, आम गिरती है। व्हाट डज दैट मीन, मेरे हिसाब से सर बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी अनलेस समबडी इज पेसिमिस्ट हैज गॉन रॉन्ग इन मी, मुझे कोई गलत, ऐसे पेसिमिस्ट तो ढूंढने से मिलते नहीं, मतलब अच्छे आशु जी, नहीं हां अगर आशु जी पेसिमिस्टिक नहीं रहे तो बाकी लोग तो ढूंढने वाले का कोई मतलब नहीं, क्यों जाए अनिल जी, मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा कि मार्केट ने आज क्लियरली एक चीज बता दी है, और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो कल हाइस बने थे एग्जिट पोल के, अब वो निकलना डिफिकल्ट है। मोदी जी आ गए, पीएम बन गए, कैबिनेट फॉर्म हो गया, उसके बाद भी अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दो हिसाब का क्रैकडाउन देखने मिला है, जो आप कह रहे हैं कि आज जो कल जो हाई बने हैं वो 2024 कल एग्जिट पोल के दिन जो हाई बने, मतलब कल एग्जिट पोल पे हमने जो भी बनाया 23,338 का कुछ बनाया मेरे ख्याल से, ठीक है ना, और बैंक निफ्टी में 51,100 के प्लस का कुछ बनाया, ये इस साल पार नहीं होंगे, ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है जी अभी, मैं बोल ये सही कह रहे हैं,
जी हाँ अनिल जी, देखिए जिस हिसाब का कैंडिडेट जिस हिसाब से फॉल आया, जिस नहीं अगर गलत कह रहे तो आप बोलो गलत है। नहीं नहीं सही है, मैं सहमत हूँ। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जो इंटेंसिटी से फॉल आया, वॉल्यूम के साथ आया, बहुत ही मुश्किल रहेगा। बिकॉज मोदी जी आ भी गए तो अल्टीमेटली हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि एनडीए जो गठबंधन है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो व्यू डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी नया लाइफ टाइम वापस बने। बहुत जल्दी मतलब कब? आपकी आपकी बर्थडे के पहले? नहीं बर्थडे तो अगले में नहीं है। अच्छा अच्छा ओके, तो या सिद्धार्थ जी दिवाली से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड सीरियस है। देखिए एक लीडर होता है ना हमेशा, जैसे आज आपकी टीम है आपको देखती है एक स्ट्रांग अनिल जी उनको नजर आते हैं, हमारे को अपने घर में एक फादर होते हैं स्ट्रांग नजर आते हैं, कॉर्पोरेट में मैं भी नौकरी करता हूँ हमारे प्रमोटर हैं स्ट्रांग, हम मतलब वी लुक अपॉन टू। इस मैंडेट से मुझे तो ये हो रहा है कि क्या एक वीक मोदी जी को क्या मतलब देश कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्या उनके लिए भी एक ये मॉरल लॉस होगा कि मतलब जिस तरह वो 56 इंच का सीना तान ये पॉइंट बहुत आपका सही है, क्योंकि मुझे 2014 में 282 सीट लाए थे मोदी जी बीजेपी की, तब क्लियर मैंडेट था। 303 पिछली बार लाए 2019 में, क्लियर पहली बार बिना बहुमत के मोदी जी बीजेपी की। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब हाउ विल ही, मतलब ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि लेकिन मतलब बाजार और मोदी जी के बीच में अंतर है ना जी। ये जो बात सुमित कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्केट का नया हाई बनेगा। आप आज का भी आप रिएक्शन देखें, इतनी नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी बाजार का रिएक्शन कोई बहुत नेगेटिव नहीं था। नीचे का मार्केट के नाम से बताऊं ना, चार्ट ऐसा गया, अब कंसोलिडेट हो रहा है। अच्छा है, कंसोलिडेशन एक फॉल आना चाहिए था, वो आ गया बीजेपी गवर्नमेंट में। थोड़ा सा एक धीरज उनको मिलना चाहिए था, थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए था। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है अभी भी बजट एक बड़ा इवेंट है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं और कुछ आज एक बार बन जाए सरकार तो हो सकता है परफॉर्मेंस विल अगेन रीगेन। वाजपेयी जी की सरकार गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारी पार्टीज को लेकर चली थी और वो भी पॉजिटिविटी डायरेक्शन में था। तो क्या बीजेपी जानती है कि कैसे गठबंधन की सरकार चलानी है? तो ये कुछ नया गेम नहीं होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी जानती, मोदी जी जानते हैं क्या? मोदी जी डर के झुक के काम करने वालों में नहीं। अनिल जी मुझे कुछ ऐड करना, मार्केट अलग था, मार्केट जो चल रहा था अगर आप देखें दिसंबर में जो हिसाब से स्टेट इलेक्शन आया है उसके बाद मार्केट डिस्काउंट करने लगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका जनरल इलेक्शन में आएगा। और आप मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में जो हिसाब से आपने तेजी देखी, अब मार्केट आगे जाके क्या डिस्काउंट करता है? मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट द फ्यूचर, ये डिस्काउंट करेगा कि अभी स्टेट इलेक्शन सारे वापस जीत जाएंगे। अच्छा एक पॉल फटाफट, अब से लेकर जो भी बजट की तारीख आए, अब से लेकर बजट तक, यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर मारने वाले कितने लोग हाथ खड़ा करें? यहाँ से एक महीने, यहाँ से एक महीने में, मतलब जब भी बजट जुलाई में मिड जुलाई में आएगा, जुलाई मिड में मान लो फंडामेंटल सारे, हाँ एक रेंज। हाँ नहीं नहीं पहले ऊपर वाले 1, 2, 3, 4 नीचे, अरे आप तो रेंज रेंज, हाँ तो नीचे वाले एक है, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 3 न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रेंज। न्यूट्रल मतलब यही रहेगा, वेरी इजी आंसर सर। आप भी दे दो नेगेटिव, आप भी दे दो, कौन मना कर रहा है? बजट के बाद तेजी का मैंडेट, बजट के बाद तेजी, बजट के बाद तेजी होगा, वो थोड़ा पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट होना ही चाहिए। इट मे नॉट बी एज आज तक जिस तरह की पॉपुलिस्ट में क्या है, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो 40% पे है वो कम हो जाएगी, थोड़ी फ्री है मोदी जी को भी अब समझ में आ गया कि पॉपुलिस्ट होना जरूरी है, इलेक्शन जीतने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अनिल जी मेरा आपसे आपसे क्वेश्चन है, आपके हिसाब से आज के मैंडेट के बाद आपको ऐसा लगता है स्ट्रांग ऑपोजिशन है? ऑपोजिशन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा आंसर है सर। लेकिन लेकिन जब लोकसभा में कोई बिल जाता है, लेकिन आई बोलने वाले पहले डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, ये बड़ी अच्छी चीज हुई है। कुछ मायनों में मैंडेट अच्छा भी है, इलेक्शन में इसका इंपैक्ट बहुत होने वाला आगे जाके। और 2024 में इलेक्शन है, जो हल्के में ले रहे थे अपोजिशन को वो भाई हल्का नहीं है यार। एक और चीज, जो हल्के में एफआईआई को ले रहे थे वो दे वेर प्रूफ, एफआईआई तो कहां जाएंगे, यही आएंगे। बट अभी तक उन्होंने मुझे बताओ 23,000 की निफ्टी तो थी ना कल, लाइफ हाई पे थे तो शॉर्ट किया तो उसके नीचे ही किया ना, अब तक जितना शॉर्ट करते आए नीचे ही किया ना। अनिल जी तो एफआई ने 18,000 से 15,000, ऐसा कोई ग्रेट काम उन्होंने नहीं किया है। हाँ अगर वो शॉर्ट करके होते ना इलेक्शन के पहले 18,000-20,000 की निफ्टी पे होते तब तो मान लेते। हालांकि कल के एग्जिट पोल से वो भी बहकावे में आ गए और कल तो अनिल जी आज ही एग्जिट पोल ड्यूरिंग द मार्केट आया, यूबीएस का नोट आया था मैंने पढ़ा, और यूबीएस का नोट ये कह रहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बन रही है और क्लियर मैंडेट बीजेपी का नहीं है तो पी री रेटिंग होगा।
तो जो हम 23-24 दे रहे थे 975 के ईपीएस पे, वो एटलीस्ट 20 पे आ सकता है, उस वक्त में फेयर वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाएगी। एक और ऐड करूंगा, मार्केट कैप वैल्यूएशन रेशियो ये 143 हो गया था और लास्ट 2008 में 149% था, और मुझे ऐसा लगता है करेक्शन के बाद सारे डेटा कहां से निकल के आते हैं। मेरा पहले आ गया दानिश जी, आप मेरा YouTube पे सोशल मीडिया में वीडियो देखिए। चलिए एक मिनट, हमारे दर्शकों ने जो नवे सवाल का जो जवाब दिया था, 2024 के पहले चरण का चुनाव कब हुआ था, इसका सही जवाब है बी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल से इलेक्शन की शुरुआत हुई थी और इसके तीन जो विनर हैं मैं आपके सामने रख दूं, कार्तिकेय कुलभूषण दिल्ली से, दीक्षित गुणवंत हल्द्वानी उत्तराखंड से और मनोज कुमार मुंजाल साहब भी दिल्ली से, ये तीनों जीते हैं। दसवां सवाल, 2024 चुनाव में मतदान का आखिरी दिन कब था, 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून, इनमें से चार में से एक दिन आप चुनकर सब बताइए। आपको जवाब देने का तरीका आपको पता ही, जेड भी लिखें अपने मैसेज बॉक्स में जाकर, एक स्पेस दें और पहले तो लिखें 10 क्योंकि 10वां सवाल है, उसके बाद ए बी सी डी जो आपको सही लगे वो लिख लीजिए और हमें 57575 पर भेज दीजिए या फिर ट्वीट कर दीजिए #ZBusiness और #ElectionOnZee का इस्तेमाल करते हुए, ये आपके लिए सवाल है। तो चलिए ये थे हमारी नोट सवाल की विशेष पेशकश, जिसमें हमारे 9 एक्सपर्ट्स ने अपने अपने दिल की बात रखी इलेक्शन को लेकर और कुछ कुणाल जी और सुमित जी दोनों जिस तरीके से बैठे बात वार्ता में, मैं तो घबरा गया अनिल जी, डाइनिंग हॉल बिल्कुल बेहतर है इस राजनीति के चुनाव के परिणाम देखकर। अब भी अगर आपकी राजनीति में जाने की इच्छा है तो भगवान आपको बचाए, बाकी तो इतना काम करने के बाद अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं, तो जो जिस काम में दक्ष है वही करें, ज़्यादा बढ़िया। हम फिलहाल, मैं एक काम में दक्ष हूँ और वो ये, मैं ब्रेक बहुत अच्छा लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के बाद मैं फिर से पहुँच रहा हूँ स्टूडियो और बाजार के दिग्गजों के साथ करेंगे हम बजट पर विशेष कार्यक्रम, मिस मत कीजिएगा। बाजार के जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया साहब, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।